हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम पता करने वाले हैं कि नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालें। जी हाँ, बिल्कुल विद इन 3 सेकंड नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। आप निकाल लीजिए अपने कैलकुलेटर और देखिए कि 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। जी हाँ, बिल्कुल 3 सेकंड में, 1, 2 और 3। अपने आप कैलकुलेटर से करिए, देखिए क्या आपको 5 सेकंड से कम लगता है। 96 का स्क्वायर, देखिए बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर। कैसे? 1, 2 और 3। तो मैं आपका अपना दोस्त सौरभ गुप्ता लाया हूं मैथ के कुछ खास पढ़ने आपके लिए। हाँ दोस्तों, आपको 3 तरीके बताऊंगा स्क्वायर निकालने का और तीसरा है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहीं मत जाइए, लगे रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले लीजिए ट्रिक 1। जी हाँ, हम सबसे पहले ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे जिनके आखिरी में 5 आता हो। पहले छोटा नंबर जो आपको आता है जैसे 15 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, 225। अच्छा, 25 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, 625। यहां तक तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब हमारे पास आता है 35, इसको कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी काम कुछ नहीं, अगर किसी संख्या के आखिरी में 5 है तो उसके स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक 25 ही होंगे। दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे लिखा हमने यहां पर 75 का स्क्वायर, तो इसके आखिरी के 2 अंक आपको मिलेंगे 25। बिल्कुल सही, आखिरी के 2 अंक पता चल गए, आगे के क्या होंगे देखते। यहां देखिए, 1 था, 1 के बाद क्या मिला आपको? 2। कहने का मतलब है यहां पर जो भी नंबर है उसके अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 1 × 2। फिर से देखिए, अब हमारे पास कितना है यहां पर? 2। 2 के बाद कितना आता है? यहां लिखते हैं 3। 2 × 3 = 6, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। आई बात समझ में? फिर से देखिए, 3 के बाद कितना आता है? बिल्कुल सही, 4। 4 × 3 = 12। आ रहा है ना मजा? बिल्कुल 75, बिल्कुल बता दीजिए आप लोग कितना। 7 के बाद 8, 7 × 56। अच्छा, इसके बाद ठीक है, ये तो ठीक था भाई, यहां के नंबरों को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। लेकिन नंबर आया 175। अब 175 के आखिरी के 2 अंक तो 25 आ गए, आगे का कहां से आएगा? अब ध्यान देने की बात है, इसका मतलब क्या है? 17 के बाद कितना आता है? 18। यानी हमको पता करना है 17 × 18, काम तो मुश्किल है, कैसे करेंगे? तो क्या जाता है कि अगर हम इसको 17 + 1 लिख ले, मतलब 17 × 17 = 17 का स्क्वायर 289 पता, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ दें? 17 जोड़ देते हैं, तो 17 का स्क्वायर 289। 289 में जोड़ना है 17, कैसे जोड़ेंगे? पहले 89 में 10 जोड़ दीजिए, 299। अब हमको 7 और जोड़ना है, तो 7 नहीं, पहले 1 जोड़ दीजिए, 300 हो गया, और फिर 6 और, कितना हो गया? 306। ये है आपका 175 का स्क्वायर। और अगर मजा आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। एक और आपके लिए अगला नंबर हमारे पास है 195 का स्क्वायर। वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि क्या आप निकाल पा रहे हैं इसको। हां, कैसे? पहले हम निकालेंगे 25, फिर हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है। अब 19 का 20 से मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है भाई, यहां तो स्क्वायर नहीं करना है। 19 × 38 और 1 क्या लगा दिया? 0। ये रहा हमारा 195 का स्क्वायर। लगे रहिए, दुनिया का कोई भी नंबर आता है अगर आखिरी में 5 आता है तो गांठ बांध लो, आखिरी के 2 डिजिट 2 और 5 होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक 2 की तरफ।
चलिए दोस्तों अब बारी है हमारी ट्रिक नंबर टू की। बिल्कुल नंबर के आखिरी में पांच है, 25 आएगा, लगाएंगे ना। अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन है ना, और कई बार क्या होता है हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट्स को चेक करके भी आंसर बताते हैं। तो यहां पर मैं आपको केवल मैथ ही नहीं सिखाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा एसएससी बैंक या कोई भी मंडे एग्जाम हो उसको जल्दी और ऑप्शन के साथ कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको आने वाले कुछ वीडियो का इंतजार करना होगा। पहले हम लोग आप काम कर रहे हैं अपनी बेसिक कैलकुलेशन पर। जी हाँ, बेसिक कैलकुलेशन का दूसरा पड़ाव निकालना है हमें 78 का स्क्वायर। अब तो यहां 8 है भाई, पांच तो है नहीं, 5 होता तो 25 होता। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, नंबर को बांट दीजिए ए और बी, कोई दिक्कत नहीं भाई। स्क्वायर निकालना है तो एक इसका स्क्वायर लिखे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, समझ में आया। उसके बाद इन दोनों नंबर का 7 × 8 × 2 कितना होगा, 7 × 56 = 112। बीच में एक नंबर छोड़ करके इसको यहां पर उतार दीजिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए आपको कितना मिलेगा, 6084। यस, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 78। फिर से एक बार और करते हैं। चलिए नंबर आता है हमारे पास 64 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 × 4 × 2 कितना आ गया, 6 × 24 = 48। उसके बाद एक नंबर का स्क्वायर 16, दूसरे नंबर का स्क्वायर 36, 48 एक नंबर छोड़ करके इसमें हमने ऐड कर दिया, तो यस 4096 इज द स्क्वायर ऑफ 64। बिल्कुल मजा आया ना, सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से, अगला वीडियो पता नहीं चलेगा कब आया। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दो डिजिट के नंबरों में कुछ नहीं करना है, पहला नंबर दूसरा नंबर, 1 × 2 = 2 इतना, एक नंबर का स्क्वायर 2 नंबर का स्क्वायर, एक नंबर छोड़ के लिख दिया और उसके बाद जोड़ दिया, दिस इज द स्क्वायर। पहली बार थोड़ा और लगेगा, परिवर्तन है, परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता है, मेहनत करनी है आपको। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, मैथ कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम आपको स्क्वायर बताने वाले हैं ना, उनके बारे में आपको बता दूं, वो थोड़े खास तरह के नंबर है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, बिल्कुल देखते ही पता चलेगा, स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 25 to 75। बिल्कुल सीधे सीधे देखते ही आंसर बताएंगे कि मानिए, देखिए हमारे पास आया 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको यहां पर यह देखना है ये 25 से कितना ज्यादा है, 42 25 से कितना ज्यादा है, उतार दिया 17, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद पीछे हमको यह देखना है इस नंबर का 50 के साथ डिफरेंस कितना है, 8। बस इसी नंबर का स्क्वायर लिख दीजिए, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 42। एक बार और करते हैं। चलिए बिल्कुल, हमारे पास आया 46 का स्क्वायर, दस बिल्कुल ध्यान देना, सबसे पहले एक का 25 से डिफरेंस, तो 25 से कैसे बताएंगे, ऐसे 25 से 5 30 और 16 5 21 डिफरेंस फ्रॉम 25 आया। अच्छा, फिर 50 के साथ में अंतर कितना है, 50 और 46 का अंतर होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16। जी हां, 2116 इज द स्क्वायर ऑफ 46। कैलकुलेटर को किनारे देखिए और अपने पर विश्वास करें, पेन भी नहीं चलाना है। देखिए मैं कोई याद करके नहीं आया हूं, आपके सामने रैंडमली नंबर लिख रहा हूं। जैसे 54 का स्क्वायर लिखना है, देखिए पेन भी नहीं चलाना है, 54 और 25 का अंतर लेते हैं, 25 10 35 10 45 और 10 55, 30 जोड़ो तो 55, एक कम कर 29 आया
और 2950 से कितना ज्यादा है, 4416, यानी कि 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। आया ना मजा? तो बस तुरंत लाइक कर दो इसको। अच्छा अच्छा चलिए, तो 25 से लेकर के 75 के बीच का कोई भी नंबर आए, आंसर आपको रटा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे नंबर मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और चेक करो ना, भाई देख लेना। 62 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, और 3 नहीं दिए जाते हैं, एक और लिख लो, 39 का स्क्वायर। बिल्कुल, अगली क्लास में चेक करने वाला हूं भैया, भेज देना, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा। चलिए ठीक है, अब आगे हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो बहुत ही खास, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं 100 के पास। तो देखते हैं कि 100 के पास के नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ नंबर नियर टू 100 के पास के नंबर, देखते ही आंसर कैसे आता है। देखिए क्या 100 के पास में 99 है, बिल्कुल है, 99 का स्क्वायर निकालना है। चलिए अब देखिएगा, हर नंबर के साथ काम आएगा, 100 के पास हो 100 के दूर हो कोई दिक्कत नहीं। 99 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो यहां पर एक का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि 100 में दो डिजिट है तो यहां पर दो लेंगे। इसी तरह हम आगे भी जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, चौथी ट्रिक इसी से जुड़ी है, और उसके बाद ये जितना कम है 100 से उतना घटा दीजिए, ये आ गया आपका 9801 का स्क्वायर। चलिए आगे एक और करते, 96 पे आते हैं, ओके 96 का स्क्वायर निकालना। बिल्कुल, सबसे पहले हमको क्या देखना है, 100 के साथ अंतर, जितना कम है उतना घटा दो, कितना कम है ये 100 से, 4 घटा दो 92, आगे की डिजिट आ गई, उसके बाद जितना कम है उसका स्क्वायर 416, तो ये आपका आ गया 9216 96 का स्क्वायर। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये तो सब 100 से कम की है, अगर 100 से ज्यादा हो जाए, अरे तो क्या दिक्कत है, ये लो 104 100 से। अब देखिए कम था तो घटा दिया, तो ज्यादा है तो क्या जो करेंगे, बिल्कुल सही, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, तो यहां पर हमने 4 जोड़ा, कितना आया 108, और फिर जो नंबर जोड़ा या घटाया है उसका स्क्वायर यानी कि 116। अच्छा इसको हाँ हाँ बिल्कुल हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो अभी आपको बताया ना, दो में बांट लीजिए ए और बी, अभी तो बताया ना कैसे, 10 × 4 × 2 नंबर कंफर्म करिए कितना आया 80, फिर देखिए ए का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 80 को फिट किया, हमारा आंसर आ गया 108, चाहे ये चाहे वो कुछ भी करिए आंसर आपका ही है। सारे तरीके बताऊंगा ए से लेकर जेड तक, धैर्य रखिए परीक्षा आपकी होगी। शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत छोटे से होगी, हम छोटे से लेकर के बड़े लेवल जहां तक जा सकते हैं जाएंगे आपके साथ, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत, यही है सफलता का राज। चलिए तो ये तरह हमारे पास टोटल, ये हमारा तरीका नंबर था 3, 1 2 3, क्विक रिविजन करते हैं। पहला तरीका नंबर एंडिंग विद 5, नंबर एंडिंग विद 5। दूसरा तरीका किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो हमने क्या बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीस में 2 भी है और हमारा आंसर आया। तीसरा तरीका 100 के पास का अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 99 क्या बताया हमने, अब हमने ले लिया 94, यहां तो सवाल चलते रहेंगे, कितना डिफरेंस आया 6, तो सबसे पहले जो डिफरेंस पीछे तो बैठा दो उसको, ये तो बताया ना आपको, और उसके बाद यहां पर नंबर घटा दो, 94 में से 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 88, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दो नंबरों का स्क्वायर तो हम लोगों ने कर लिया, नंबरों का स्क्वायर 100 के पास में कैसे होता है ये तो हमको पता हो गया। अब हम जा रहे हैं 3 डिजिट के नंबरों के पास में, 3 डिजिट के नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है तो दोस्तों, पढ़
आ गया है वो मौका जिसका था सबको इंतजार, बिल्कुल वो घड़ी आ गई और आ गया हमारे पास ट्रिक नंबर चार, तीन अंकों का स्क्वायर। जी हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, एक से एक हजार सारे बताऊंगा यहां पर। सबसे पहले 108, 108 का स्क्वायर निकालना। तो मैंने बताया कि 100 के पास में है नंबर, तो 100 वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। क्या 100 से जितना ज्यादा है उतना क्या कर दिया इसमें, छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जितना जोड़ा गया है उसका स्क्वायर कितना जोड़ा गया है, 8, 8 का स्क्वायर 64, एक कितना आंसर आ गया हमारा 11664। जी हाँ, ये है 108 का स्क्वायर। अच्छा, अब आप तो कहेंगे सर ये तो बार बार आप 100 के आसपास बता रहे, आगे बढ़े तो बताइए। तो लीजिए आगे आगे 312 का स्क्वायर निकालना है ना। देखिए तरीके इसके दो हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका दोनों को ब्रेक कर लीजिए। तीन डिजिट के नंबरों को आप जब भी बांटेंगे याद रखिएगा, पहला एक बाकी के दोनों एक साथ रहेंगे। कहने का मतलब ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी। सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी इंटू टू कितना हो, देखिए ए बी इंटू टू 31 2 2, 31 दुना 62 दुना 124, देख लीजिए। अच्छा, फिर क्या करना है हमें, नंबरों का स्क्वायर, इनका स्क्वायर दो बार लिखना था, लेकिन दो का स्क्वायर तो केवल चार आया, और यहां पर तो हमें दो डिजिट चाहिए ना नंबर का, तो उसके लिए यहां पर रख दिया हमने जीरो। अब आई बात 31 का स्क्वायर, तो 31 के स्क्वायर के लिए ये नंबर 25 से 75 के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल। तो कैसे निकाला था, सबसे पहले देखिए इस नंबर का 25 के साथ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ज्यादा है नहीं, 6 है, बिल्कुल सही। उसके बाद 31 का 50 से डिफरेंस कितना है, 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 61 ये 3 चढ़ गया, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 961। ये हमारे हो गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 12 को नीचे लिखना था 4 4 3 7 9, 97344। बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। चलिए एक और करते हैं, बिल्कुल एक और आके अगला नंबर हमारे पास 998, यहां पर ये क्या था 100 के पास था, ये नंबर किसके पास में है 1000 के पास में है, बिल्कुल। तो चलिए ये कितना कम है 1000 से, 2 कम है, तो जितना कम है उतना घटा दीजिए, और क्योंकि यहां पर तीन, देखिए यहां पर दो जीरो थे तो दो डिजिट तक नंबर लिखते थे, यहां पर तीन जीरो है तो तीन डिजिट तक नंबर लिखा जाएगा, किसका स्क्वायर जो नंबर जोड़ते थे। अब दो का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही तो होगा, 2 नहीं है, अरे भाई नहीं है तो ये रहा जीरो, ये हुआ ना हमारा स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा। चलिए 96 आपके लिए चैलेंज है, मात्र 5 सेकंड है, 5 सेकंड में जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर, 1 2 3 4 5, वेरी गुड वेरी गुड, लगे हुए हैं सभी लोग, ये देखिए लगेंगे तभी बनेंगे। नंबर 1000 के पास में है, तुरंत याद डालिए। गलती मैं बता दूं कहां पर होगा, जब आप लोग यहां पर नंबर बनाओगे तो भूल जाओगे ये तीन आएंगे कि यहां पर दो आएंगे, तो पहले ही 1000 के पास में 3 0 3 ब्लॉक बनाया, 4 का स्क्वायर 16, एक नंबर नहीं तो क्या रखा 0, लीजिए 9996 का स्क्वायर, आया ना समझ में। चलिए अच्छा ओके, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये 312 का जो स्क्वायर हम लोग निकाले हैं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, एक तरीका और है। सारे तीर आपके तरकस में होंगे, बस इंतजार करिए। देखिए 312 का दूसरा तरीका, नंबर में था नियरेस्ट जीरो के पास में, आइए किसके पास में है 300 के पास में है, ठीक है, दो जीरो के लिए दो मार्ग यहां बना दिए, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा है पहले तो उतना जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 324,
फिर उसके बाद देखिए 100 के पास है तो क्या करते थे, अब उसी नंबर के स्क्वायर को लिख देते थे। यहां पर क्या है, 100 नहीं है, यहां 300 है ना, 3 गुना हुआ ना, 100 का 300 कितना 3 गुना, तो जो भी नंबर जुड़ रहा है उसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 6 7 और 9, बिल्कुल अब नंबर का स्क्वायर। अच्छा 2 जीरो है तो 2 बेस पे नंबर आएंगे, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 यहां 100 यहां, यानी आंसर हमारा आ गया 97,344। बताइए बिल्कुल नहीं तरीका है, पूरा यूट्यूब आप देखेंगे आपको ये तरीका नहीं मिलेगा, खुद का बनाया तरीका लाया हूं आपके सामने, बहुत आसान है, एक बार और ट्राई करते। चलिए 312 देखा ना, कोई बात नहीं, ये लीजिए 506 का स्क्वायर, क्या बताया नंबर किसके पास में है, 500 के पास में है। भैया 2 जीरो तो आएंगे, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दिया, फिर 100 वाला होता था तो सीधे 36 आंसर होगा, लेकिन 100 से 5 कितना है, 5 गुना है, तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 10 1 6 5 25, और इस नंबर का स्क्वायर होता है 36। दिस इज द आंसर आपका, कितना आया है कैलकुलेट कर लीजिए ये आपका, हाँ 500 के पास में 2 जीरो है तो 2 के पास में लग जाएगा आपका। हाँ जी समझ में आया ना। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं, निकालना है आपको यहां पर 806 का स्क्वायर, हमारे ये अपना मेथड, क्या किसके पास आ रहा है, 800 के पास आ रहा है ना, बिल्कुल। क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर जितना ज्यादा है चलिए उसका तो इस पल करते हैं, 36 का स्क्वायर 36 आएगा, छोड़ देते हैं, सबसे पहले जितना ज्यादा है जोड़ दिया, फिर 100 का कितना गुना है, 8 गुना है ना, 8 से किया मल्टीप्लाई, यहां नहीं यहां लिखते हैं ना, 2 नंबर हो ही गए, चलिए 8 दूनी 16, 1 8 8 9 8 8 64, ये रहा स्क्वायर आपका 806 का स्क्वायर। दोस्तों इसी तरह के अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए मैं लाता रहूंगा, इंतजार करिए हमारे नए वीडियो का जो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। चलिए भाइयों सीख तो लिया हमने 1 से लेकर के 4 तक की ट्रिक, लेकिन कहते हैं जब तक रिवीजन ना हो तब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए खास तौर पर हमारे चैनल्स पर आप जब भी वीडियो को देखेंगे आपको रिवीजन जरूर कराया जाएगा, क्योंकि निचोड़ यहीं पर है। तो हमने पढ़ी है टोटल 1 2 3 और 4 ट्रिक, तो चारों ट्रिक का एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। पहला नंबर एंडिंग विद 5, क्या करते हैं, 5 आखिरी में है तो आंख बंद करके 25, फिर 9 के बाद में कौन है 10, 9 9 90, ये रहा हमारा 95 का स्क्वायर। यू आर फास्टर देन द कैलकुलेटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर को बढ़ाना है भाई, 47 के लिए 25 से 75 के बीच में है ना नंबर, क्या करेंगे भैया 25 से डिफरेंस को लिख देंगे, कितना डिफरेंस हुआ 22, और फिर 50 से जितना डिफरेंस है लगा देंगे स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया 22, 2209 94, कौन वाला तरीका, 100 के पास वाला नंबर है ना, कितना कम है कालिया, 6 कम है, तो 6 क्या कर देंगे घटा देंगे, और उसके बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 8836। चलिए चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तरीका अपना है, कैसे करेंगे इसको बताइए, कैसे देखेंगे, सबसे नया तरीका है दोस्तों, इसीलिए बहुत आराम से बता रहे हैं, किसके पास में है ये 600 के पास में है ना, कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है जोड़ दिया, 625 में 25 जोड़ा कितना हुआ 650, देखिए 100 होता था तो गुणा नहीं करते, फिर 100 से कितने गुना है 6 गुना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 6 5 30 और 39, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर इसके आगे आने वाले 2 नंबर होते लिखा जाना है, बिल्कुल 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 390625।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पहली कोशिश पसंद आई होगी और इसी तरह आपको लगे रहना है हमारे साथ। हम यहां पर हमने केवल 10 से 12 क्वेश्चन ही कराए हैं आपको, बिल्कुल ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, 1 से लेकर 1000। और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तो मेरे भी बनते हैं होमवर्क के, बिल्कुल। तो लीजिए आपका होमवर्क, 66 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, 638 का स्क्वायर, 749 का स्क्वायर या 230 का स्क्वायर, इन सारे नंबरों का स्क्वायर आपको निकालना है और मैं देखूंगा आपके अपने कमेंट बॉक्स में आकर के। जितने भी लोगों के कमेंट आएंगे उनका सलूशन 100% मिलेगा। आपकी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस कोशिश करेंगे कि जब जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, आपको पूरी सीरीज ऑफ मैथ मिलेगी, ए से जेड तक, बेसिक से निकलेंगे और टॉप तक जाएंगे। यहां पर वो बच्चा भी पढ़ेगा जिसने आज तक मैथ नहीं देखी है। अगर मैथ से डर लगता था तो वो मैथ के डर का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि मैथ एक नए तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है।